मेरठ पुलिस एक्शन मोड पर है और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों की एक रात में 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं पहली घटना नौचंदी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें बुलेट सवार इरफान और अनिल को गोली लग गई। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना जैनपुर इलाके में हुई, जहां मुठभेड़ में बदमाश दिलशाद को पुलिस ने पकड़ लिया। दिलशाद चोरी और लूट की कई घटनाओं में काफी समय से फरार चल रहा था। वहीं रोहटा पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आज जनपद के 3 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ में कुल 4 बदमाश घायल हुए हैं और एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। नवचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवचंदी मेला मैदान की तरफ थाना प्रभारी नवचंदी जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। वहाँ पर एक बाइक और एक सिल्वर कलर की मारुति स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी। इनके द्वारा जब वहाँ पर रुक कर उनसे बातचीत करके उनको जानने का प्रयास किया गया कि वहाँ पर संदिग्ध स्थान पर क्यों खड़े हैं, वो कौन है, तो उनके द्वारा अचानक पुलिस बल पर फायर कर दिया गया। पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, जिनको तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। उनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर की, इसके अलावा 2 तमंचे, भारी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए। पुलिस बल ने आत्मरक्षा कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, एक गिरफ्तार हुआ। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उनके पास से स्विफ्ट डिजायर सिल्वर कलर, 2 तमंचे, भारी संख्या में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से कई तमंचों के साथ कार और बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों पर लूट, हत्या जैसी कई संगीन मामले दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।